ये धमान चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों मेरे वालों जाने के अमरजीत धमान वालों सत श्री अकाल जी। सो अज म्यूनसिपल कमेटी कुराली दे विच असीं खड़े हैं। इत्थे एक ऐसी मशीन आई है जो कमेटी का बहुत ही वड्डा उपराला है। एक जेट मशीन आई है, इन्होंने नवी परचेज की है। सो जिसका काम है सीवरे नू देखना। सो सीवरे दे विच कोई किते भी कोई फाल्ट होवे, कोई नुक्स होवे, उनू देखना अते सीवरे नू साफ करना। सो उम्मीद है हुण शहर की काफ़ी तरक्की होवेगी। तो आओ गलबात करते हैं, इत्थे मशीन का उद्घाटन भी हो रहा है, तो गलबात करते हैं म्यूनसिपल कौंसलर दे नाल अते प्रधान जी दे नाल कि इस मशीन के बारे की कहना। तो आओ करते हैं गलबात। किस्मत विच जो नहीं लिखिया सी सतगुरु जी ने ओ पर दिता, सतगुरु जी ने ओ पर दिता, जो भी मंगिया सो यो मिलिया, स्वामी मू मंगिया वर दिता, स्वामी मू मंगिया वर दिता। भोले शंकर तारण हार, भोले शंकर तारण हार, नदी दे पार, नदी दे पार, सतगुरु स्वामी शौकी दी बदल के रखती फलां दे विच तकदीर कुराने, फलां दे विच तकदीर कुराने, कीते साडे ते उपकार, कीते साडे ते उपकार, नदी दे पार, नदी दे पार, सतगुरु स्वामी शिव अवतार, नदी दे पार, नदी दे जी। गलबात करते हैं रणजीत सिंह जीती जो कि नगर कौंसल कुराली के प्रधान ने, जो अज ये मशीन लिया है वो बारे। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। अज तुम इस मशीन का जो उद्घाटन कर रहे हो, ये किस तरह की मशीन है, तो की ये काम है? पहला तो जो भी थोड़े दर्शक ने उन्होंने मेरे वालों सत श्रीकाल। तो ये साडा जो कौंसल बनी सी, कौंसल बनाने तो पहले ही साडा ये एक तरह कह लो साडे मैनीफेस्टो का पार्ट सीगा, जैटिंग मशीन लेनी, शहर च कैमरे लाने, तो नालियाँ नाले बंद करने। वो असी काफ़ी वो कम कर रहे हैं, कैमरे लग चुके शहर च, वर्किंग च ने, रिकॉर्डिंग शुरू होगी। तो अज यह जैटिंग मशीन साड़ी अहमदाबाद तो बन के आई है, जिदी के तकरीबन 55 लाख रुपये कॉस्ट है। तो ये जबकि सानू सीवर चला तो पहले ही चाहिए सी, ये करके सफर भी बहुत किया। तकरीबन हर हफ्ते सानू कदे ना मोहाली कारपोरेशन ते जां खरड़ कौंसल तो मंगनी पैंदी सी। इहदे नाल साडा काफ़ी चुस्त दुरुस्त हो जाएगा अपना सीवर दा। सो किन्ने क टाइम दे विच लगदा वी अपने कुराली शहर दा काम हो जावे? इहदे नाल सीवर दा थोड़ा साडा काम पूअर है, पहलां होया भी माड़ा है, पर असीं लगे हुए हैं। साडी टीम सारी जो मतलब कौंसलर ने सारे मेहनत कर रहे प्रोपर इस काम लई, तो बहुत जल्दी असं जिन्ने भी पॉइंट चौक है उन्होंने असं ठीक कर देंगे। ये कल्ली सफाई करूगी जां कोई मतलब कि यह देख भी लूगी कितने प्रॉब्लम है? ये जो भी हौदी तो इनू असं अगे जट अगे भेजते हैं, उन्होंने सानू पता लग जाता भी कितने चौक है। तो यह खोल भी पॉइंट खोलती भी है, तो सकिंग भी करते वो तो सक भी कर लें जो भी होंगे सिलट वगैरह होंगी। ठीक। हाँ जी सर, की कहना चाहते हो तुम इस मशीन के बारे? मैं पहला शहर वासियों इस मौके पर मुबारकबाद दिंदा कि जो साडे शहर नू एक बहुत वड्डी जरूरत सी, क्योंकि सीवर एक नू असी चला चुके हैं, पर उनू चलाण लई जो मशीनरी की लोड़ सी वह कौंसल कोल नहीं सी। उहदे च कहे पहलकदमी है कि सानू जैटिंग मशीन शहर नू मुहैया हुई है कौंसल वालों। तो जो थोड़ी बहुत चौक होंगे जगह जिथे सीवर चौक होंगे उन्होंने खोलने कोई हम परेशानी नहीं होएगी, और
विद इन मिनट्स उस चौकड़ एरिया खोल सकती। सो रमाकांत जी नाल गलबात करते हैं, सो की कारण रहा जो ये अज तक इस कुराली शहर के मशीन नहीं आ सकी? देखो सब तो पहला तो बहुत वधिया गल है, शहर नू जिस चीज़ की जरूरत सीगी वो चीज़ आपां नू मिली है। इहदे पिछे कोई भी कारण रहे होवे पिछली सरकारां दे विच या पिछली उहदे विच जे कोई दिक्कत रही है तो उहदे बारे आपां ना अज खुशी दा मौका उहदे बारे जरूरत नहीं है। चंगी गल है अज सानू जरूरत है इस चीज़ की ते अपने कोल आ गई है। तो जिमें कि प्रधान जी ने दसिया नगर कौंसल बड़े वधिया तरीके दे नाल प्लैनिंग वे दे नाल काम कर रही है, चाहे वह गल करिए कैमरिया की उन्होंने गल की है, नाली नाले नाली बंद करन की गल की है, ग्राउंड मेनटेन गल करन की गल की है, चाहे पार्क मेनटेन करन की गल की है। उसके बाद अज ये भी एक बहुत वधिया उस चीज़ के इजाफा होया जे जैटिंग मशीन कुराली नू मिली है। बात करते हैं सरदार बहादुर सिंह जी जो MC ने। हाँ जी सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। तुहाडे की विचार ने इस मशीन के कुराली शहर के आने वास्ते दे लई की विकास होणगे, किन्ना क वधिया काम आऊ? बहुत वधिया उपराला जी, साडी कौंसल ने जिहड़ा फैसला लिया सी क्योंकि सीवर तो पै चुकिया सी, पर सीवर की जिहड़ी देखभाल है जां जिथे भी ब्लॉकेज हुंदी है वह मैनुअल काम नाल तां वह ब्लॉकेज खोल नहीं सी सकदी, उहदे वास्ते जी इहदी जैटिंग मशीन की लोड़ सी जिहड़ी कि असीं अपनी खरीदी है, और इहदे नाल जिथे भी कदे भी किते भी ब्लॉकेज होएगी वह ये वाइब्रेटर सिस्टम है जी विद वॉटर जी, उहदे नाल ये जिथे भी ब्लॉकेज होगी वह लाइन खुल जाएगी। और मैं अपनी नगर कौंसल का भी बहुत इस गल धन्नवाद करदा, प्रधान जी का भी सारिआं दा जिन्होंने साढ़े हाउस का सारे का जिन्होंने वधिया सोच नाल ये जो सीवर प्लांट है इहनू चलाउण विच बहुत मददगार साबित होगी जी। थैंक यू जी। प्रधान नंदीपाल बंसल जी, हाँ जी की कहना चाहते? मैं जो ये मशीन आई है साड़ी जटिंग मशीन है यदि बहुत जरूरत थी, सीवर पई नूं लगभग 4-5 साल हो गए पर मशीन सानू बार बार बाहर तो मंगानी पैंदी थी। साड़ी नगर कौंसल के सारे MC साहबाना ने और जैन साहब ने बहुत वधिया उपराला करके जो साहब तो उस टाइम हो ये पहला मता पिया साढ़े शहर का और यह मशीन आई अज और शहर के जिन्हें भी सीवरेज के पॉइंट है खोलने में सानू कभी दिक्कत नहीं आऊंगी। और मैं भगवान के अगे प्रार्थना करता कि साढ़े शहर के जी सीवरेज की थोड़ी बहुत समस्या है वह जल्दी हल होकर सुचारू रूप से चले। धन्यवाद जी। हैप्पी धमान जी जो अज यह मशीन लियांदी है, सो बहुत वड्डा उपराला है म्यूनसिपल कमेटी कुराली का, की कहना चाहते हो? शहर वाके बहुत खुशी की गल है जी, साल वेट बाद यह एक सानू जी जैटिंग मशीन चाहिए सी आज सानू मिली है, तो सारे कौंसलर का धन्यवाद करते हैं प्रधान जी का तो सारे स्टाफ का EO साहब के उन्होंने स्टाफ का, तो जोड़ा सारा सीवर का काम चौक होंगे सी प्रॉब्लम्स आदि थी वो तकरीबन हूँ 90% हल हो जाने के, तो ये लेटेस्ट मशीन है तकरीबन यदि कीमत 53,80,000 हैगी जी, जैम के थ्रू लिती हुई है, वैसे तो यह महंगी है 72 लाख की है, तो यह बेस्ट मशीन है तो अहमदाबाद तो असी ये मंगाई है, तो आने वाले टाइम साडा सारा शहर साफ सुथरा होने जा रहा, तो सब नूं मुबारक तो सारे MC नूं मुबारक, धन्यवाद जी। नवीआं ते ताजीआं खबरां देखण लई साडे ए तिमान चैनल नूं सबसक्राइब करो अते बैल आइकन दबाणा ना भुल्लो।